प्रयास पर उत्तराखंड आ रहे हैं और इसी दृष्टि से पूरे राज्य में योगमय वातावरण है। इस वातावरण में और इजाफा हो इस दृष्टि से वाक फॉर योगा यानी एक तरह से निमंत्रण है ये देहरादून की जनता को, उत्तराखंड की जनता को कि जो सहभाग कर सकते हैं वो सहभाग करें। स्थान सीमित है, जहाँ जहाँ पार्क हैं वहाँ पर करें, अपने घरों में करें और पूरे प्रदेश में हर जगह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसमें सब लोग भागीदारी करें और जो भारत की परिकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम की सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया उस परिकल्पना में सब अपना अपना योगदान करें। मोदी जी का क्या कार्यक्रम रहेगा? प्रधानमंत्री जी पहले दिन यहाँ पर आ जाएंगे और 21 तारीख योग के कार्यक्रम में भाग लेंगे और तत्पश्चात वो देश की राजधानी दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। सीएम साहब, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जल संवर्धन की बात कही गई है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं योग? देखिए, आप सब लोग समझते हैं कि उत्तराखंड सरकार का जल संवर्धन और जल संचय की ओर जिस तरह से हमने फोकस किया है सरकार बनाते ही, नीति आयोग ने जो बात कही है निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए हमको जल को टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा। थैंक यू।